रवि, मैं हार्दिक शुरान, और आज मैं आपको इग्निस जेटा 2020 वेरिएंट की लाइट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पुरानी लाइट दिखा देता हूँ। गाइस, मैंने इसकी लाइट अपग्रेड करवाई है, ईगल की सुपर हेडलाइट्स लगवाई हैं मैंने, एलईडी हेडलाइट्स होती हैं, 3 times बेटर वर्क करती है नॉर्मल से, मे बी यस। ये इसकी कंपनी से जो हेडलाइट आती है वो है, देख सकते हैं इस पर लिखा भी होगा सुजुकी वगैरह, नहीं फिलिप्स का 12 वाट का H4, 12 वोट, 80 85 का बल्ब है। ये दोनों मैंने हटवा दिए, और ये जो लाइट है पहले इसका वारंटी कार्ड दिखा देता हूँ, आप देखेंगे 2018 में। यस, क्योंकि ये गाइज मेरे ईटीओस है ना, उसकी HID बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है गाइज, ये एलईडी लाइट्स बता रहा हूँ, एलईडी लाइट ईटीओस में लगवाई थी मैंने, ईटीओस में फ्यूज बार बार उड़ा रही थी, तो 6/6/18 को लगवाई थी, और आज मैंने उसमें 1 साल यूज करी और हटा दी फिर। सो अब मैंने मेरी इग्निस में लगवाई है, इग्निस में सूट कर चुकी है या नहीं वो तो हमें 2-3 महीने बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फ्यूज उड़ाती है। देखो देखो गाइस, एकदम से ऐसे लगता है कुछ, ये फॉग लैम्प है, आप देखो बिना फॉग लैम्प देखो, अंदर की लाइट ऑफ, आप देखना देख सकते हैं आप, फॉग लैम्प ऑन। ये मेन लोग बोलते हैं कि ये जो लाइट होती है व्हाइट लाइट्स, ये फॉग में काम नहीं करती हैं। गाइस, लाइट्स का फॉग में कोई काम ही नहीं होता, फॉग लैम्प क्यों दिए गए सोचो आप। फॉग लैम्प जो होते हैं वही रात में, मतलब फॉग में चलाने के लिए होते हैं, ये तो बस रात में जब फॉग नहीं होती उसके लिए होते हैं। फॉग लैम्प आप चलाइए, फॉग हो तो फॉग लैम्प चलाइए, आपकी जो फॉग है वो हट जाएगी, हटे तो नहीं कि कट जाएगी, मतलब इनसे लाइट से आपको दिखने लगेगा आगे का। ये केवल भाई साहब व्हाइट लाइट्स हैं हाईवे के लिए, इन समर्स नॉट इन विंटर्स, जब फॉग होती है उनके लिए नहीं है। सो एक इसमें जो इशू मेरे को फेस हुआ था वो हुआ था चीज का, गाइस अभी दिखाता हूँ आपको, सॉरी घर में ही वीडियो बना रहा हूँ आज। ये एंड्रॉइड है इसका, इस चीज का, ये जो लाइट है ये आपको अलग से दिख रही होगी, ये वाली, हाँ इसके ऊपर कवर होता है, वाटरप्रूफिंग होती है, वो इस पर लग नहीं पाई क्योंकि ये ईटीओस के बल्ब थे, ईटीओस वगैरह नहीं, सेम ही आते हैं गाइस, पर सुजुकी टोयोटा के अलग होते हैं शायद, शायद मैंने पूछी थी एक से, वो तो ऐसे ही बोल रहा था अलग होते हैं, देख सकते हैं गाइस क्या ही तो है। सुजुकी और टोयोटा के पहले अलग आते थे, अब सबके सेम आने लगे। मेरे को ये दिक्कत फेस हुई थी, कोई खास दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब लगेगी तब या तो बारिश या फिर जब तक मेरा बोनट पूरा पानी में नहीं चला जाता तब तक, क्योंकि बाद में लाइट में पानी भर जाएगा गाइस, ये बारिश में भी नहीं भरता है, बोनट के ऊपर गिरेगा, अंदर थोड़ी जाएगा, वॉशिंग के टाइम हो सकता है मे बी। मैंने आपको बताया था ना एक पिछली वीडियो में, रिवर्स लगाने में झटका आता है, वो सॉल्व हो गया है गाइस, क्लच प्लेट बर्न हो रही थी उस टाइम, मैंने नोटिस किया क्लच प्लेट जो है बुरी तरह बर्न हो रही थी। आपको इसमें थोड़ा वॉर्म दिख रहा होगा मे बी, आप अपना वॉर्म का जो होता है आई प्रोटेक्शन वो हटा के देखना, बिल्कुल वाइट लाइट है गाइस, प्योर वाइट, अभी तो वॉर्म दिख रही है क्योंकि मैंने भी वॉर्म ऑन कर रखा है, तो बिल्कुल प्योर वाइट लाइट्स हैं। सो बस यही था गाइस आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। Thanks for watching. Bye.